अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरीज। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, नागरिकता कानून और एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लेकर दिल्ली में एक जगह है शाहीन बाग। ओखला विधानसभा में आती है ये जगह शाहीन बाग। वहां पर 40 दिन आज हो गए हैं, आज 40वां दिन है, यानी पूरा रात तक 40 दिन हो जाएंगे। दिन और रात 40 दिन से वहां पर धरना चल रहा है दोस्तों, लगातार धरना चल रहा है, 24 घंटे लगातार वहां पर धरना चल रहा है। तो शाहीन बाग जो जगह है, अब उसका नाम दोस्तों पूरे देश में लिया जा रहा है और पूरी दुनिया में लिया जा रहा है, इसकी चर्चा हो रही है। एक हिस्टोरिकल हो गया है शाहीन बाग, और इसका जो पेज है विकिपीडिया ने भी बना दिया है शाहीन बाग का। वहीं दोस्तों, अब शाहीन बाग से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। क्या है बड़ी खबर, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप भी मानते हैं कि नागरिकता कानून गलत है इस देश के लिए, तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 40 दिन से लगातार शाहीन बाग में धरना चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारी माए बहने बहुत ज्यादा वहां पर डटी हुई है और 24 घंटे लगातार धरना चला। मैं आपको बता दूं, शाहीन बाग में मैं भी जाता रहता हूँ, 40 दिन से लगातार जा रहा हूँ, एक आध दिन नहीं गया हूँ वो अलग बात है, पर मैं लगातार वहां पर जाता रहता हूँ शाहीन बाग में, और लाइव भी चलाया है मैंने कई बार अपने यूट्यूब चैनल से, आपने देखा भी होगा। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली पुलिस शाहीन बाग का जो धरना है उस पर कार्रवाई करने वाली है। और कई बार दिल्ली, ये 40 दिन जो गए उसमें कई बार दिल्ली पुलिस के अफसर, बड़े बड़े अफसर शाहीन बाग धरने में आकर माइक को पकड़ कर कह भी चुके हैं कि एक रोड को खोल दिया आप, एक रोड, बहुत लोगों को परेशानी हुई, दिल्ली जाम हो रही है, एक रोड खोल दो, पर किसी ने भी नहीं मानी उनकी बात। तो अब बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली पुलिस एक आध दिन के अंदर शाहीन बाग का जो धरना है उस पर कार्रवाई करने जा रही है, या उसको पूरी तरीके से खत्म करने जा रही है। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। और बड़ी खबर ये भी दोस्तों कि 26 जनवरी जो आ रही है उससे पहले कार्रवाई कर सकती है दिल्ली पुलिस। अब इसमें कितनी सच्चाई है आने वाला टाइम बताएगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपकी क्या राय है इस शाहीन बाग के धरने को लेकर, दिल्ली पुलिस क्या इस पर कार्रवाई करेगी या नहीं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।